प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो कि उसने ये मौका दिया कि हम लोग एक बार फिर से ऑनलाइन इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो आपने हम सबों को दिया है इस संध्या की बेला में। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि अभी तक तूने हम सबों की सुरक्षा की, जिंदों की जमीन पर रखा, हमारे परिवार को, भाई अनुपम डेविड के परिवार को जो ऑनलाइन सेवकाई करते हैं प्रभु जी और जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं, उन सबों को नम नम आशीषित कर। जो भी वचन का बीज यहाँ पर बोया जाता है वो लोगों के हृदयों में बैठ जाए, अंकुरित हो और तेरे लिए 100 गुना फल लाए। जब प्रभु जी आज से हम लोग उन कलीसियाओं के बारे में सीखेंगे जो प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं का वर्णन है, और हम अपनी अपनी कलीसियाओं से उसको मिलान करेंगे, एनालाइज करेंगे, ताकि प्रभु जी जो तूने हम सबों को बताया है, यौन्ना को दर्शन देकर बताया है कि कौन सी कलीसिया में आपने तारीफ की है, कौन सी कलीसिया में आपने चेतावनी दी है और कौन सी कलीसिया तेरा भय मानती। आज के युग में हम इन कलीसियाओं को प्रभु जी अपनी कलीसियाओं से आंकेंगे ताकि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, और जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो तेरी गूढ़ बातें हमारी समझ में आए। हमारे हृदयों को खोल दीजिए, मनों को खोल दीजिए ताकि हम तेरी बातों को समझ सकें। इस संपूर्ण आराधना के चलाने वाले आप ही इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पानी बहुत तेज गिर रहा है, बिजली भी कड़क रही है, फिर भी मैं अभी उरई से लौटा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज गिडियन का प्रोग्राम था इसलिए हम उसमें गए थे, और कल भी मुझे जाना है, तो आप हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारी गिडियन मिनिस्ट्री के लिए, हमारे चर्च के लिए, हमारे लोगों के लिए, कि परमेश्वर उन्हें बहुत आयत से आगे बढ़ाए। यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए, यहन्ना का प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 1 से 7 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहन्ना का प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 1 से 7 पद। इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की दीवटें 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता। जितने कलीसिया के पास बान है और मेम्बरान है और पास्टर कमेटी के मेंबर हैं, वो इस बात को ध्यान से पढ़े। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तू परख कर तूने झूठा पाया। तो धीरे धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा, पर हां तुझसे ये बात तो है, तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलियाइयों के कामों से घृणा करता है,
जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ, जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्लोक में फल खाने को दूंगा। दानियल की पुस्तक उसका 12 अध्याय 8, 9, 10 पद भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दानियल की पुस्तक उसका 12 अध्याय 8, 9, 10। ये बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ न समझता। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मुहर दी हुई है। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। यदि आप प्रकाशित वाक्य को पढ़े तो वहां लिखा हुआ है मंडलियों या कलीसियाओं को संदेश। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 3 में एशिया की कलीसिया यानी 7 कलीसियाओं का वर्णन है, जो उन दिनों के एशिया माइनर में, जो अब तुर्किस्तान के दक्षिण पश्चिम का भाग है, 7 कलीसियाएं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो प्रकाशित वाक में 7 कलीसियाओं का वर्णन है वो एशिया माइनर में, जो अब तुर्किस्तान के दक्षिण पश्चिम भाग का हिस्सा है, 7 कलीसियाएं। 7 कलीसियाएं अर्थात संपूर्ण संसार की मसीही कलीसियाओं के लिए ये संदेश। अपनी अपनी मंडली या कलीसिया की स्थिति पर दृष्टिकोण हम और आप करें या विचार कर सकते हैं। इन 7 कलीसियाओं का जब मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा तब आप देखिएगा कि आपकी कलीसिया इन 7 कलीसियाओं में से किस पैटर्न पर चल रही है। ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लगभग 40 वर्ष के बाद की बात है। इफिसुस की कलीसिया, स्मुर्ना की कलीसिया, परिगुमन की कलीसिया, थुआथारा की, तीरा की कलीसिया, सर्दीस की कलीसिया, फिलेडेल्फिया की कलीसिया और लौदीकिया की कलीसिया। ये कलीसियाएं जो 7 कलीसियाओं का वर्णन बाइबल के अंदर प्रकाशित वाक में दिया गया है, उन्हीं 7 कलीसियाओं में से हमारी भी एक कलीसिया है, जो आज जिन कलीसियाओं में हम जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवनों एवं कलीसियाओं को देखता है तो वह हमारे विषय में क्या सोचता है और इन कलीसियाओं की विवेचना क्या करता है, चेतावनी वो उन्हें क्या देता। वह अच्छाइयों और उनके गुणों का वर्णन करता है, उनकी प्रशंसा करता है, फिर कलीसियाओं को बताता है कि उनमें क्या क्या कमियां और चेतावनियां देता, और यदि गलतियों को नहीं सुधारा गया तो उनके दुष्परिणाम कलीसिया को, कलीसिया के सदस्य को भोगना पड़ेगा, ये बाइबल कहती है। और यदि वो सुधार ला देते हैं तो बाइबल कहती है वे आशीष
पाएंगे। बाइबल की सबसे अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य जिसे 100 ईस्वी में लिखा गया, मैं आपको डिटेल में बताता चलूं, जो 100 ईस्वी में लिखी गई इस समय तक प्रभु यीशु मसीह के सभी चेलों की हत्या की जा चुकी थी, यानी कोई भी चेला जीवित नहीं था। यूहन्ना को छोड़कर केवल यूहन्ना बचा था जो रोमी राज की कैद में था, जिसे निर्जन पत्मुस टापू पर आजीवन सजा भुगतने के लिए भेज दिया गया था, और वहीं पर प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया के सातों कलीसियाओं का भेद और दर्शन उसे देता है और कहता है लिख दे। यूहन्ना यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य रहा था, जैसा आप जानते हैं यूहन्ना के ऊपर यीशु ने पूर्ण विश्वास किया था, इसलिए उसने अपनी माता मरियम की देखभाल की जिम्मेदारी यूहन्ना को सौंपी थी और कहा था दूसरे वाणी में, हे नारी ये तेरा पुत्र और ये तेरी माता। वही यूहन्ना अपने जीवन की वृद्ध अवस्था में पत्मुस टापू पर अपनी सजा काट रहा है, इस निर्जन स्थान पर उस अकेलेपन में यीशु का दर्शन उसको मिलता। यीशु यूहन्ना से बातचीत करता, उसे निर्देश देता है एवं चेतावनी देता है कि आने वाले अंत के समय में क्या क्या होगा, कलीसियाओं को बता देना। जो 7 कलीसियाएं हैं, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को दर्शन देता है, चेतावनी देता कि अंत में क्या घटने वाला है। इन सारी बातों का दर्शन यूहन्ना देखता है। 7 कलीसियाओं के संदेश को 6 भागों में बांटा गया। पहला भाग, कलीसिया का सिर यीशु मसीह के गुणों से संदेश से आरंभ होता। अब देखिए हमारी कलीसिया क्या प्रभु उसका सिर है। दूसरा, कलीसिया में जो अच्छे कार्य हो रहे हैं प्रभु यीशु उसकी प्रशंसा करता है। आज हमारे कलीसिया में हम क्या अच्छा कार्य कर रहे हैं जिससे परमेश्वर या यीशु हमारी कलीसिया की प्रशंसा करे। तीसरा भाग, कलीसिया के गलत कार्यों की आलोचना की प्रभु यीशु ने और कहा कि कहां तक मंडली मसीह के आदर्श के नीचे, यानी हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है उसके आदर्शों के नीचे कलीसिया है, लेकिन आज की कलीसियाएं प्रभु के आदर्शों को कोने में रखकर अपने आदर्श प्रस्तुत कर रही। चौथी बात, पश्चाताप के लिए आह्वान दिया गया है। मैं कई कलीसियाओं में जाता हूं, प्रचार करता हूं, वहां पश्चाताप की कोई लोगों में भावना ही नहीं। स्मरण दिलाना, पांचवी बात, स्मरण दिलाना कि कलीसिया को पवित्र आत्मा की अगुवाई को सुनना व ग्रहण करना जरूरी है। पवित्र आत्मा की अगुवाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आपकी कलीसिया पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाई जा रही है और
आत्मा की अगुवाई को कलीसिया के अगुए या मेंब्रान अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। और छठवां जो संदेश या भाग बांटा गया है वो है वफादार विश्वासियों का क्या प्रतिफल हुआ। इन सातों कलीसियाओं को मैं आपको तीन भागों में बांट देता हूं। देखिए, इफिसस और लौदीकिया की कलीसिया को आत्मिक उन्माद के लिए ललकार थी, वो आत्मिकता के लिए ललकारते थे, दान वरदान पाने के लिए उनमें ललक थी। हमारी कलीसिया कहां खड़ी? दूसरा भाग परिगमन की कलीसिया, थुआथीरा की कलीसिया और सर्दीस की कलीसिया धार्मिकता के पुकार के लिए मानी जाती थी। और आखिरी जो तीसरी कैटेगरी में है वह स्मरना और फिलेडेल्फिया की कलीसिया। स्मरना और फिलेडेल्फिया की कलीसिया ये क्लेश के लिए तैयारी कर रही, अंतिम दुख के लिए। आज सारी कलीसियाएं विश्व की सुन लीजिए, क्या वो दुख की तैयारी कर रही है जो हम पर टूटने वाला है? आज हमारी सरकारें बाइबल बांटना बंद कर रही है, प्रचार करना बंद करवा रही है, ट्रैक्स और बाइबल बांटना बंद करवा रही है। क्या हम ऐसी परिस्थितियों से जब जूझ रहे हैं तो हमारी कलीसिया क्या उस क्लेश की तैयारी में प्रार्थना कर रही है? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, थोड़ी सी बात मैं पत्मोस टापू की करूंगा और अगला संदेश मेरा पत्मोस टापू पर होगा, तब मैं कलीसियाओं में आगे बढ़ूंगा। थोड़ा जान लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। पत्मोस टापू जहां पर यूहन्ना को काला पानी या सजा देने के लिए वहां भेजा गया था, ये एक द्वीप आइकेरियन सागर में एशिया माइनर से 56 किलोमीटर दूर था। जहां पर कलीसियाएं स्थापित थी वहां से वो 150 मील की दूरी से अधिक नहीं था। मैं पत्मस टापू की बात कर रहा हूं जहां यूहन्ना ये दर्शन देख रहा। ये पत्मस टापू 9 से 10 मील लंबा और 5 से 6 मील चौड़ा था। ये चट्टानी एवं बंजरी क्षेत्र था, बंजर क्षेत्र, यहां पर कुछ नहीं उगाया जा सकता था, बयाबान था, बंजर इलाका था। परंतु आजकल यहां पर गेहूं, अंगूर, जैतून की खेती होने लगी। अपने अकेलेपन के लिए या कारण ये पत्मस टापू प्रसिद्ध था। ये द्वीप काले पानी की सजा के लिए मशहूर था। यहां पर यूहन्ना को रोमी साम्राज्य ने उनके मसीही विश्वास के कारण देश निकाले का दंड दिया था। अगर आपकी कलीसिया और आपके साथ हो जाए तो इसे अचरज मत मानना, क्योंकि ये तो यूहन्ना के समय में भी था। हम कहते हैं वो लोग पहली सदी के मसीह थे, वो हमसे और आपसे ज्यादा सताए गए, मारे गए, उनमें यातनाएं सही। मैं आगे आपको बताऊंगा, शायद हमने इतने कभी नहीं सही और ना सोची होगी। इसी पद्म टापू पर यूहन्ना अकेलेपन, विभिन्न अभागों, शारीरिक यातनाओं और अभावों आदि के द्वारा होने वाली
निराशाओं के दौर से गुजर रहा था। आज इसकी आबादी पद्मश टापू की 3000 से 4000 के बीच में, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन उस समय यह काला पानी समझा जाता। यदि सजा देना हो तो लोगों को वहां भेज दो एकांत में, एकांकी में, और वहां यातनाएं दी जाती थी, जल्दी मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। अब मैं आपको ले चलता हूं इफिसुस की कलीसिया, जो मैंने प्रकाशित वाद 2:1-7 पद में आपको पढ़ के सुनाया। इफिसुस नगर के बारे में पहले जान लीजिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं पादी साहब वो समय अच्छा था, प्रभु यीशु मसीह था, आश्चर्य कर्म करता था, लोग चंगे हो जाते थे, भूखों को खाना मिलता था। लेकिन कभी आपने सोचा है यीशु मसीह के 12 चेले कैसे मार दिए गए, कैसे मसीहत पूरे संसार में फैली, और उन लोगों को जिन्होंने मसीहत को बढ़ाया कैसे परसिक्यूशन से गुजरे? कभी आपने इसका आकलन अपनी कलीसिया या अपने जीवन में किया है? जहां पर यह कलीसिया थी, इफिसुस की कलीसिया, वो इफिसुस नगर था। मैं उस नगर का परिचय देना चाहता हूं, और जो भारतवासी हैं वे अपने चारों तरफ देखें, क्या इफिसुस नगर और हमारे भारतवर्ष में कोई भिन्नता है? इफिसुस नगर एशिया माइनर का सबसे बड़ा मशहूर शहर था, जो पश्चिमी तट पर समोस टापू के सामने स्थित था। यहां पर एक बहुत बड़ा बंदरगाह था, समुद्र का किनारा कटा फटा था, जहां से तीन दिशाओं में पानी के जहाज आते और जाते थे। ये व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, यानी व्यापार बिंदु था। इफिसुस नगर को रोमी साम्राज्य यानी राजा ने अपने अधिकार में लिया था, और इस शहर की आर्मी सरकार की हुआ करती थी, जो एक अलग सरकार रोमी राज्य की सरकार कहलाती थी, उसकी आर्मी होती थी। दूसरे शब्दों में कह दूं, दिल्ली की सरकार के पास उसकी आर्मी नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। वैसे ही इस इफिसुस नगर की थी, और ये शहर को वो नगर की आर्मी चलाती थी, और कुछ समय के बाद यानी इफिसुस नगर पालिका को स्वतंत्रता मिल गई कि वो शहर को संचालित करे। इस शहर में एक बहुत बड़ा स्टेडियम था, यहाँ पर हजारों लोग बैठ सकते थे, और मनोरंजन के कार्यक्रम इसी स्टेडियम में होते थे। मैं आगे बताऊंगा इस स्टेडियम में मसीहों का क्या होता था। इफिसुस के इतिहास को देखें तो अवकिल्ला और प्रिस्किल्ला, जो पौलुस के मित्र थे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था, उन्होंने ही इफिसुस की कलीसिया को अपने घर में प्रारंभ किया, और तिमोथियुस उस कलीसिया का पासबान या पादरी था। सुनिए ध्यान से, पौलुस ने अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान इफिसुस में आकर पौलुस ने 2 वर्ष तक कलीसिया की अगुवाई की, और वहीं पर रहकर उसने सेवकाई की। पौलुस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा में भी एक लंबे समय तक
वहां रहा और कलीसिया की सेवकाई में लगा रहा। आलेखों के अनुसार यूहन्ना ने स्वयं भी इफिसुस में रहकर सेवकाई दी थी या की थी। अब मैं इफिसुस की कलीसिया के बारे में बताना। नए नियम में पौलुस प्रेरित द्वारा इफिसुस की कलीसिया को लिखी गई पत्री भी शामिल है। इफिसुस की कलीसिया को लिखी गई पत्री भी शामिल है। निकाल लीजिए प्रेरितों के काम, मैं पढ़ता जाऊंगा क्योंकि आप शायद उसका 19 अध्याय निकाल लीजिए। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय इफिसुस नगर के बारे में और उसका 1-7 सुनिए। जब अपुल्लोस कुरिन्थ में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उसने क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया, ऐसा प्रश्न किया। उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उससे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। हर एक कलीसिया सुन ले, ओनली फॉर गॉड, ओनली फॉर होली स्पिरिट, ऐसी बात नहीं है। यहां पर लिखा है, उन्होंने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा लिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा, वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। वे सब लगभग 12 पुरुष थे। इफिसुस में इसी शहर में मंडली की स्थापना की गई, कलीसिया की स्थापना की गई। वहां 12 सदस्य। पौलुस ने 3 महीनों तक यहूदी आराधनालयों में प्रचार किया। पौलुस ने, आप जानते हैं पौलुस को कई भाषाएं आती थी। विद्वान कहते हैं वो 13-14 भाषाएं जानता था। कुछ ने सुना और कुछ कठोर दिल के थे। पौलुस की सेवकाई के द्वारा वहां बहुत कार हुआ और सामर्थ्य कार हुआ। परमेश्वर की सामर्थ को लोगों ने देखा। वो पौलुस के ऊपर रुमाल फेंकते थे, पटका फेंकते थे, उठाते थे, फिर बीमारों को लगा देते थे, छुड़ा देते थे। लिखा, बीमार चंगे हो जाते थे, दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। यहूदी याजक इस्किवा और उसके 7 पुत्र झाड़ा फूकी करके लोगों से दुष्ट आत्माएं निकालने का दावा करते थे। बहुत ध्यान से सुनिए, आज कई मसीह भी ऐसा कर रहे हैं। लिखा है, यहूदी याजक इस्किवा। निकालिए मेरे साथ यही प्रेरितों के काम 19 अध्याय और उसका 14 पद में आपके लिए पढ़ूंगा और या 11 पद से आप बाद में पढ़ लेना, मैं केवल 14 पढ़ूंगा क्योंकि समय तेजी से जा रहा है, विषय बड़ा है। और इस्किवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे।
जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी जानती हूं, परंतु तुम कौन? प्रियो, वो यीशु का नाम लेकर दुष्ट आत्माओं को निकालना चाहते थे, उन्हें आज्ञा देने लगे, तो दुष्ट आत्माओं ने उनसे पूछा, कहा मैं यीशु को जानती हूं, मैं पौलुस को जानती हूं, लेकिन तुम कौन? आज कलीसियाओं में भी यही हो रहा है, हम यीशु को नहीं जानते, लेकिन दुष्ट आत्माएं, शैतान और अन्य लोग यीशु को जानते और पहचानते हैं, और वो हमसे और आपसे पूछते हैं, आप कौन? आपकी शिक्षा जो कलीसिया में दी जा रही इससे मेल नहीं खाती, आपकी डॉक्ट्रिन इससे मेल नहीं खाती, आपका प्रचार इससे मेल नहीं खाता, आपका जीवन जीने का सिद्धांत इससे मेल नहीं खाता, आप कौन? प्रियो, यदि आप पढ़े तो लिखा है उसी में, आगे पढ़ देता हूं मैं ताकि आपकी भ्रांति दूर हो जाए। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी जानती हूं, परंतु तुम कौन? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया, यानी तांडव किया, कि वो घायल और नंगे होकर घर से भाग निकले। ये बात विश्वास में रहने वाले सब यहूदी यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु मसीह के नाम की बड़ाई हुई। देखिए, आज दुष्ट आत्माएं भी प्रभु यीशु मसीह को जानती, शैतान भी प्रभु यीशु मसीह को जानता है, लेकिन आज के कलीसिया के लोग और पादबन प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, प्रचार करते, नाना प्रकार की गतिविधियां चलाते, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते, दुआ करते, बाइबिल पढ़ते, दान देते, शिक्षा देते, लेकिन उस पर चलते नहीं। ये फिसुस नगर झाड़ फूक, देवी देवताओं व जादू टोना का नगर भी कहलाता था। आप इतिहास पढ़ें, आज हमारे चारों तरफ क्या है, यही भरा पड़ा है, परंतु पौलुस के प्रचार और सेवकाई के कारण अपनी जादू टोना की पोथियों को लोगों ने जला दिया। इसी अध्याय के 19 और 20 पद को भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठा करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फलता और प्रबल होता गया। प्रभु का वचन आज कलीसिया में प्रति रविवार प्रभु का वचन दिया जाता है, असर नहीं करता, क्योंकि उनमें दम ही नहीं है, वो प्रभु को नहीं जानते, नहीं पहचान, सुना तो है लेकिन विश्वास नहीं कर। ये कड़वा सच है। प्रियो, इफिसुस में एक अच्छी विश्वासी मंडली स्थापित हो गई थी। ध्यान से सुनिए, आज हमें अपनी कलीसियाओं को भी आंकना है। इस इफिसुस की कलीसिया के साथ लिखा है, वहां पर एक अच्छी मंडली स्थापित हो गई थी, परंतु शैतान ने भी अपना कार्य किया मंडली को कमजोर करने के लिए, कलीसिया को कमजोर करने के लिए। उसने दिमियुस सुनार को कलीसिया के विरुद्ध प्रयोग किया। दिमियुस सुनार को कलीसिया के विरुद्ध प्रयोग किया। ये सुनार ने इफिसुस निवासियों को पौलुस के विरुद्ध भड़काया और भड़का दिया। इफिसुस में
यदि आप पढ़े इतिहास, देवी आरती मुस का मंदिर था, वो बहुत भव्य था, सुंदर था, विशाल था, विशाल भवन था तथा प्राचीन संसार के सात अजूबों में एक था, जैसे हमारा ताजमहल है। उस समय ये सात में से एक अजूबा गिना जाता था। ये सुनार दिमियोस एक मंदिर में एक महत्वपूर्ण अधिकारी का स्थान रखता था। इफेसोस नगर वाणिज्य व व्यापार का केंद्र था, धनी शहर था और अर्तिमिस देवी का पुजारी था। इस मंदिर का आधार एक 73x127 वर्ग मीटर के चबूतरे का था, 73x127 वर्ग मीटर का एक चबूतरा था जिसके ऊपर ये मंदिर स्थित था। मंदिर की छत 100 संगमरमर के खंभों पर टिकी हुई थी। प्रत्येक खंभे का ब्यास 55.5 फुट का था। छत पर संगमरमर लगा था और चुनाई के लिए, सुनिए ध्यान से, चुनाई के लिए चूने या गारे के बजाय सोने का प्रयोग किया गया था जोड़ों को भरने के लिए। यह कोई मामूली मंदिर नहीं था, बहुत ही भव्य था, सोने का बना हुआ था, लोग वहां पर जाते थे। दिमियोस सुनार ने बलवा मचाया कि पौलुस के द्वारा यीशु के प्रचार का उद्देश्य देवी की उपासना का विरोध करना है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। आज हमारे और आपके लिए भी नाना प्रकार के प्रोपोगंडा और नाना प्रकार की अफवाहें उड़ा दी जाती हैं, ऐसी बात नहीं है और हम डर जाते हैं। फिर भी जो दूसरे सोने चांदी के व्यापारी थे वे चिल्लाने लगे पौलुस के लिए कि इफिसियों की देवी अर्तिमिस महान है। नगर में हुल्लड़ मच गया, 2 घंटों तक बलवा होता रहा, मार काट होती रही, लहू लुहान होता रहा। पौलुस की जान से मारने का ऑर्डर पास कर दिया गया। लोग चिल्लाने लगे पौलुस को मार दिया जाए। इफिसोस कलीसिया वासियों ने उस भव्य मंदिर में देवी अर्तिमिस की प्रतिमा स्थापित कर रखी थी और ये प्रचलित कर रखा था कि ये प्रतिमा आकाश से गिरी थी और मंदिर व प्रतिमा का संरक्षण इफिसोस निवासियों का धर्म है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 40 वर्ष बाद यूहन्ना दर्शन देखता है कि यीशु मसीह इन कलीसियाओं के लिए क्या कहता है। यदि मैं आपसे पूछूं आज पवित्र आत्मा आपकी कलीसिया के लिए क्या कह रहा, सुना कभी आपने? पहली बात, यीशु मसीह ने इफिसुस की कलीसिया की प्रशंसा की। दर्शन में यीशु मसीह इस कलीसिया की प्रशंसा करके यूहन्ना को बता रहा, चार चीजें बता रहा। नंबर 1, मैं तेरे कार्य को जानता। नंबर 2, मैं तेरे परिश्रम और धीरज को जानता हूं। आज यदि हमारी कलीसिया परिश्रम कर रही है तो धीरज नहीं है, धीरज रख रही है तो परिश्रम नहीं है, कार का पता नहीं। तीसरी बात, मैं जानता हूं कि तू दुष्ट लोगों को कलीसिया में पनपने या बढ़ने नहीं देता। यह प्रभु यीशु मसीह आज कलीसियाओं में
कितने दुष्ट लोग पाए जा रहे हैं, पलप रहे हैं, जिससे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, नाना प्रकार की दुनियादारी चल रही है। मैं बखान नहीं करना चाहता, ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन प्रियो यदि कलीसिया दुष्ट लोगों को नहीं पहचानती, 420 लोगों को नहीं पहचानती, तो लिख लीजिए वो कलीसिया नाश हो जाएगी। चौथी बात, यीशु कहता है मैं जानता हूं तू झूठे शिक्षकों को वचन के आधार पर परखता है और उससे कलीसिया की रक्षा करता। आज कितनी कलीसियाओं में झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो गए हैं, आज कितनी कलीसियाओं में झूठे उपदेश दिए जा रहे हैं, आज कितनी कलीसियाओं में झूठी शिक्षा दी जा रही है। कौन है इतना दिलेर जो उसको कह सके ये गलत है, ये बाइबल में नहीं है, ये बाइबल संगत नहीं है। ये कलीसिया मैं एफिसस की बात है, सक्रिय है, प्रभु यीशु का कार्य करने वाली कलीसिया था। इस कलीसिया द्वारा बहुत से कार्य किए जाते थे। ये मंडली परिश्रम के साथ साथ प्रभु का कार्य करती थी, ये मंडली समर्पण के साथ कार्य किया करती थी, ये कलीसिया धीरजवान थी, धीरजवान। बाइबल में लिखा है जो अंत तक धीरे धरेगा उसी को अनंत जीवन या मुकुट दिया जाएगा। धीरजवान थी क्योंकि उन दिनों में मसीही जीवन, सुनिए क्या कह रहा हूं, उन दिनों में मसीही जीवन अत्यंत कठिन था, आज जैसा नहीं था, ऐश और आराम वाला नहीं था, लग्जरी लाइफ नहीं थी, एसी और गाड़ियां नहीं थी, विदेश जाना नहीं था, मसीहों का जीवन बहुत कठिन था। मसीहों को सताया जाता था, उन्हें मार डाला जाता था, भूखे शेरों के सामने उन्हें छोड़ दिया जाता था, जानवरों की ताजी खालों में सिलकर मरुस्थल की तपती रेत में फेंक दिया जाता था, उनके हाथ पांव को काट दिया जाता था। विशाल स्टेडियम की मैंने चर्चा की, उन विशाल स्टेडियम की भारी भीड़ के सामने उन्हें यातनाएं दी जाती थी। रोमी साम्राज्य नीरो अपनी महफिलों में मशालों की जगह खंभों में मसीहों को जिंदा जीवित शरीर बांध कर उन्हें जलवाता था कि वो रोशनी पैदा करे। उनने जो रोशनी निकलती थी उससे वो अपनी महफिलों को रोशन करता था। मसीहों की जिंदगी उस समय बहुत अत्यंत कठिन थी, आज की तरह नहीं कि थोड़ा सा जेल में डाल दिया रोने लगे, दो चार डंडे पड़ गए तो रोने लगे। उस समय लोग विश्वास में स्थिर थे, आज डामाडोल है। देखिए कलीसियाओं की क्या शिक्षा है। यीशु कहता है मैंने तेरे धीरज को मैं जानता हूं, यानी ये कलीसिया दुख उठाने वाली कलीसिया थी। दुखों पीड़ाओं से भी इन कलीसिया के लोग परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले लोग थे, वो बैकस्लाइड नहीं हुए थे, उन्होंने अपने विश्वास को नहीं त्यागा था। यीशु ने कहा जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं वे है नहीं। आज कई पासवान, आज तो नए नए पासवान खड़े हो गए, बिशप खड़े हो गए, आजकल तो पता ही नहीं पड़ता कौन ओरिजिनल है और कौन डुप्लीकेट। अपोसल खड़े हो गए, प्रेरित खड़े हो गए, तभी लिखा है यीशु ने कहा जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, तूने उन्हें परख कर झूठा पाया। आज कौन सी कलीसिया ऐसे लोगों को परख रही है और उन्हें डांट रही।
यह एक परखने वाली कलीसिया या मंडली थी जो झूठे शिक्षकों को पहचानती थी और उन्हें चेतावनी देकर ताड़ना देकर उन्हें सही शिक्षा या उपदेश देने के लिए कहती थी। उस समय भी झूठी शिक्षाएं चल रही थी। निकुलाइयों का एक पंथ था जो झूठी शिक्षाएं चला रहा था। मालूम नहीं आपने इसके बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मैं बता देता हूं। वे विश्वास करते थे, निकुलाइयों का जो पंथ था, वे विश्वास करते थे कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। शरीर भ्रष्ट है, आत्मा पवित्र है। शरीर को कष्ट देंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएगी। सुनिए फिर, वे विश्वास करते थे शरीर और आत्मा अलग अलग है। यदि आत्मा निकल जाएगी तो शरीर समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो कहते थे ये दोनों अलग अलग हैं। शरीर भ्रष्ट है यानी पाप करता है, लेकिन आत्मा पवित्र है। शरीर कितना भी पाप करे लेकिन आत्मा पवित्र रहेगी, ऐसा उनका मानना। हम शरीर को कष्ट देंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएगी। उपवास करके, कांटों की सेज पर सोकर, अंगारों पर चलकर हम शरीर को कष्ट दें तो हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। बाइबल ऐसा नहीं कहती। दूसरी शिक्षा जो वो देते थे, शरीर भ्रष्ट है और आत्मा पवित्र है, इसलिए मन में जो भी आए शरीर करे। सुनिए, मन में जो भी आए शरीर करे, इससे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए शरीर की दुष्टता से, भ्रष्टता से आत्मा की पवित्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ऐसा बाइबल नहीं कहती। लिखा है तूने अपने मन में सोच लिया, कुदृष्टि से किसी स्त्री को देख लिया तो तूने वह विचार कर लिया। जबकि ये शिक्षा गलत जो ये निकुलाइयों ने दी। ऐसे लोग आकर कलीसिया को भड़काने का कार्य कर रहे थे उस समय में। आज हमारे सामने भी यही सिद्धांत। आपने देखा होगा चाइना में एक ग्रुप चल रहा है जिन्हें रिवील किया गया है, वो कहते हैं, और वो कलीसियाओं को चला रहे हैं पर मेंबरशिप के लिए पैसा भी देते। उनकी शिक्षा है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस लेडी को अपनी आत्मा से भरा है, प्रकाशन दिया है, अब जो कुछ ये कहेगी वही स्वर्ग में होगा। जबकि बाइबल ऐसा नहीं कहे। प्रियो, आज हम पाते हैं बहुत सी कलीसियाओं में झूठे शिक्षक आ गए हैं जो प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को नहीं मानते, प्रभुत्व को नहीं मानते। उनके मन खोखले हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम घर पर ही प्रार्थना कर लेंगे, चर्च जाने की क्या जरूरत, हम ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर लेंगे, चर्च जाने की क्या जरूरत। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या आप यीशु से ज्यादा समझदार हैं? क्या आपके पास यीशु मसीह से ज्यादा बुद्धि है? या यीशु मसीह बेवकूफ था जिसने चर्च की स्थापना या कलीसिया की स्थापना की और कहा कि तुम मेरे भवन में उपस्थित हो तो मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ। क्या शिक्षा दे रहे हैं हम अपने लोगों को? या तो हमें बाइबिल का ज्ञान नहीं है या पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है। बपतिस्मा की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे लोग कहते हैं। कई लोग फोन पर ही बपतिस्मा दे देते हैं। केवल सब पैसे का खेल है। प्रभु भोज हर सप्ताह नहीं होना चाहिए, महीने में एक बार होना चाहिए, तभी उसकी पवित्रता बनी रहेगी, तभी उसकी महत्ता बनी रहेगी। ऐसा कहां बाइबल में लिखा है? लिखा है जब प्रेरित आपस में प्रति सप्ताह इकट्ठा होते थे तो वो रोटी को तोड़ते थे और उस बलिदान को ग्रहण करते थे। पढ़िए बाइबल। आज हमें कई लोग
बाइबल की सही शिक्षा नहीं दे रहे, हमें भटका रहे हैं। इफिसुस की कलीसिया 7 कलीसियाओं में सबसे बड़ी थी। दूसरी बात मैं नहीं समझ, कोशिश करूंगा जल्दी से 10-5 मिनट में खत्म करने की। दूसरी बात, यीशु मसीह इफिसुस की कलीसिया में पहला जैसा प्रेम नहीं पाता। अब देखिए, प्रेम, कभी आपने प्रेम किया? आज मैं एक कलीसिया में था और वहां मैंने पूछा, आपने कभी प्यार किया है? लोग बगले झांकने लगे, बुढ़े भी, जवान भी, अधेड़ भी, जैसे मैंने कोई गलत बात बोल दी। देखिए, हमारी सोच कितनी गंदी हो गई है कि हम पवित्रता की सोच रखते ही नहीं। तो जब शरीर ही अपवित्र है तो आत्मा कैसे पवित्र हो गई? बाइबल कहती है, यीशु ने कहा कि इफिसुस की कलीसिया में पहले जैसा प्रेम मैं नहीं पाता। यीशु प्रशंसा के साथ अब उस कलीसिया की आलोचना करता है। बता देता हूं क्या कह रहा है, अपनी कलीसिया से मिला लीजिएगा, अगर नहीं मेल खाते उनको सही करिए, नहीं तो वो कलीसिया आपको अनंत जीवन में नहीं नरक में ले जाए। तुम्हें कार्यों से तो प्रेम है, पर मेरे प्रति जो दिल में प्रेम होना चाहिए वो नहीं है। आज मैं एक कलीसिया में प्रचार कर रहा था, परमेश्वर को व्यस्त लोगों की आवश्यकता नहीं है, जो केवल सेवकाई 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 कर रहे हैं और प्रभु को पूछते ही नहीं है। अरे, हम प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। वचन में तो यह भी लिखा है, यदि हम अपने परिवार का सही नेतृत्व नहीं करते, उनका मार्गदर्शन नहीं करते, तो हम कलीसिया के योग्य नहीं। हमें अपना समय निकालना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यतीत करना है। सेवकाई तो होगी, जब हमारे संबंधी ठीक नहीं है तो कैसे पवित्र आत्मा हमारी कलीसिया में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में काम करेगा? लिखा है तुम्हें कार्यों से तो प्रेम है, मेरे कार्यों से तो प्रेम है, पर मेरे प्रति दिल में वो प्रेम नहीं है जो पहले था। तुम्हें बिजनेस यानी व्यवस्था व्यस्तता से तो प्रेम है, यानी तुम बहुत व्यस्त हो। तुम्हारे लिए मुख्य कार या प्रमुख कार है, परंतु संबंध शून्य है। आज हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, यहां जा रहे हैं वहां प्रचार कर रहे हैं, यहां जा रहे हैं वहां गवाही दे रहे हैं, यहां जा रहे हैं वहां प्रचार कर रहे हैं, यहां बाइबल पढ़ रहे हैं, वहां दुआ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं हम, लेकिन आपका संबंध प्रभु यीशु मसीह से कैसा है? शून्य। तीसरी बात, जो तीसरी आलोचना करता, व्यस्तता तो है, बिजनेस तो है, परंतु भावनाएं समाप्त हो गई। आप कोई भी चीज ज्यादा खा लीजिए, उसका टेस्ट खत्म हो जाता। हम इतनी अधिक सेवकाई कर रहे हैं, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे संबंध, हमारी भावनाएं, हमारा प्रेम प्रभु यीशु मसीह से मेल नहीं खा रहा। फूल तो है, रंग है, परंतु फूल में खुशबू नहीं है, तो ऐसी सेवकाई से क्या मतलब? वही बात हुई ना, पांचवी बात, हाथ में शादी की अंगूठी है, बहुत ध्यान से सुनिए, कड़वा सच, लेकिन हाथ में हाथ पति पत्नी का सा नहीं। शब्द तो है, परंतु भाव समाप्त हो गए शब्दों के। पुस्तक तो है, परंतु पन्ने कोरे। गीत तो है, परंतु संगीत चला गया। आकाश तो है, परंतु सितारे गर्ग में डूबे हुए।
तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रियो, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हम अपने प्रेम को फिर से रिकनेक्ट कर लें, यूहन्ना 3:16 के अनुसार कर लें, जैसा परमेश्वर ने किया। यदि आप भजन संहिता 41:9 पढ़ेंगे, होसे 6:4 और 6 पढ़ेंगे, तो पहला प्रेम था वो चला गया, अब वो मेरा विरोधी हो गया, परमेश्वर का पुत्र कह रहा है। यदि हमने हमारा पहला जैसा प्रेम नहीं है तो हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के विरोधी है। और तब कहता मन फिरा, पश्चाताप कर, तब तेरा कुछ होगा। त्याग से बढ़कर, विश्वास से बढ़कर, आशा से बढ़कर जो बात है वह है प्रेम। पहला कुरिन्थियों 13:3 पढ़ लीजिए। तुम सोचते तो हो जो कार है वही प्रेम है, ये शायद 64:6, यानी तुम्हारी धार्मिकता, देखिए क्या कहती है बाइबल, तुम्हारी धार्मिकता मैले फटे चीथड़ों के समान। क्या हम वास्तव में यीशु के से प्रेम करते हैं? हमारे सांसारिक जीवन में पता ही नहीं चलता कि कब हमने पहला प्रेम छोड़ दिया है और अधिक से अधिक सांसारिकता में समय व्यतीत करने लगे हैं। यदि पति पत्नी ज्यादा समय साथ में न रहे तो शैतान अपना काम करने लगा। यदि कलीसिया में, कलीसिया प्रभु की संगति में न रहे तो शैतान कलीसिया में घुस जाता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? कब छूटता है पहला प्रेम? जानिए, जब हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के लिए समय नहीं है, संसारिकता हम पर हावी हो जाती है। लुका रचित सुसमाचार उसका 14:14 उसके 16-24 में लिखा है, किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की, यह उदाहरण दिया गया है, दृष्टांत दिया गया है। और आप जानते हैं आगे क्या हुआ? जिनको बुलाया गया था वो नहीं गए, चौराहों पे जाके दूसरों को बुलाया गया। हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या आराम नहीं परंतु व्यस्तता है, बिजीनेस है। जब आपका शरीर आराम करेगा, दिमाग ठंडा होगा, तभी आप पॉजिटिव सोचेंगे और अपने ईश्वर के प्रति आपका प्रेम जागृत होगा। जितना मनुष्य पजल होगा उतना ही शैतान उस पर हावी होगा। जो हमारे संबंध को पूरी तरह से खोखला कर रहा है, जो हम व्यस्त हैं, हम प्रचार करने जाते हैं, हमारे पास परिवार के लिए टाइम नहीं है, हम दुआ करने जाते हैं, हमारी भाषा शुद्ध नहीं है, हम नाना प्रकार की चीजें करने जाते हैं, लेकिन हमारा जीवन पवित्र शास्त्र से मिल नहीं खाता। आज हमारे पास समय नहीं है। प्रभु यीशु के साथ समय बिताइए, प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, कलीसिया के साथ सहभागिता करिए, तब आपका उद्धार होगा। इसका दूसरा पार्ट मैं अगले संदेश में बोलूंगा, क्योंकि थोड़ा ये बड़ा है। इसलिए प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अपनी कलीसिया में देखें, आपकी कलीसिया बिजी फॉर नथिंग तो नहीं है? आपका मसीहत बिजी फॉर नथिंग तो नहीं है? आपका दुआ करना, आपका वचन पढ़ना, आपका गाना गाना, आपका दान देना बिजी फॉर नथिंग तो नहीं है? क्या यह प्रभु को ग्रहण योग है? यदि हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, यीशु से प्रेम करेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आपने प्रेम किया है तो इसके महत्व को समझेंगे। प्रेम क्या होता है? प्रेम में यदि मुझे दर्द है तो मैंने जिससे प्रेम किया उसको भी दर्द होगा। और यदि ये भावनाएं नहीं है, ये संवेदनाएं नहीं है, इसका मतलब हमारा प्रेम खोखला हो गया है।
इसलिए प्रियो पश्चाताप करो, मन फिराओ, कलीसिया के लिए भी रो, पासबान के लिए भी रो, उन लोगों के लिए रो जो प्रभु यीशु मसीह की बात जो रहे हैं लेकिन प्रेम नहीं रखते। इसी के कंटिन्यू संदेश में मैं आपको बताऊंगा प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। इसलिए प्रियो हम प्रेम करें। परमेश्वर ने अगापे प्रेम से अपने प्रेम को प्रदर्शित किया। हम अपने कार्यों से, अपने जीवन से, अपने चाल चलन से, अपने पहरावे से, अपने बोलचाल से, अपने खान पान से, अपने उठने बैठने से और अपने सेवकाई से वो प्रेम प्रदर्शित करें जिससे प्रभु यीशु मसीह कहे ये मेरा प्रिय पुत्र या प्रिय पुत्री है। आइए हम प्रार्थना करें। सेकंड वर्जन के लिए आप शनिवार तक वेट करें। अनवरकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने ये मौका दिया कि हम एक बार फिर से प्रभु जी डरते और कांपते हुए तेरे चरणों के पास आए। हम जानते हैं हर एक व्यक्ति जो तुझ पर विश्वास करता है वो तेरी कलीसिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारे जीवन प्रभु जी तुझसे नहीं जुड़े, इसलिए आत्मा काम नहीं करता, इसलिए प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, इसलिए आत्माएं बचाई नहीं जाती, इसलिए हमें नाना प्रकार के नियमों से डर लगता है, इसलिए सताओं से हम डरते हैं। लिखा है जहां प्रेम है वहां मौत से डर नहीं लगता, जहां प्रेम है वहां किसी भी दर्द को महसूस नहीं किया जाता, केवल प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है। प्रभु जी हम सबों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए ताकि प्रभु जी हमारी कलीसिया की भी प्रभु जी तू सुधि ले, क्योंकि तू आने वाला है। कलीसिया सेकंड कमिंग की तैयारी में लगी है कि जब तू आएगा तो कलीसिया बादलों पर उठाई जाएगी, लेकिन हमारी तैयारी नगण्य है, बिल्कुल नहीं है। प्रभु जी हम वैसे ही पुराने ढर्रे पर चल रहे, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे, आत्मिक ताकि हमारे कानों को खोल दे ताकि हम तेरी बातों को सुन सकें और चीज को देख सकें जो तूने हमारे लिए ठहराई है। प्रभु जी हम इस संसार में तो हैं लेकिन इस संसार के नहीं है। हम पर दया कर, हम पर करुणा कर, हमें प्रभु जी हमें समय निकालने का मौका दे कि हम तेरे चरणों पर बैठकर तेरे साथ संगति करें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में तेरी सेवकाई करें। प्रभु जी हम विनती प्रार्थना करते हैं जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और हमारे परिवार के लिए, भाई अनुपम डेविड परिवार के लिए, हम सबों को आशीषित करना ताकि जब तू आए तो प्रभु जी हम सब तेरे साथ बादलों पर उठाए जाएं। हम विनती प्रार्थना करते हैं आप सबों से जो ऑनलाइन जुड़े हैं, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें, हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपनी आत्मा से परिपूर्ण करे और हम प्रभु में आगे को बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु क्रीस्ट के द्वारा आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और जितने ऑनलाइन जुड़े हैं जब तक तू दोबारा आने से ठहरता है जीवन के अंत तक बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें।